नमस्कार फ्रेंड, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच हम फिर से आ चुके हैं। फ्रेंड बता दूँ, ये जो रिक्वायरमेंट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर, एम्स भुवनेश्वर की तरफ से ये रिक्वायरमेंट जारी किया गया है। लैब टेक्नीशियन पोस्टों के लिए रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। डायरेक्ट आप लोगों को इंटरव्यू दे करके इसमें सिलेक्शन पा सकते हो। तो चलिए पूरा डिटेल्स जानकारी लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड बता दूँ कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नया नोटिस आता है तो सबसे पहले हम अपडेट कर देते हैं। फ्रेंड चलिए डिटेल्स में इस रिक्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। बता दूँ फ्रेंड, ये जो रिक्वायरमेंट है आपको वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर रिक्वायरमेंट होने वाला है। फ्रेंड यहाँ पर सीट डिटेल्स हम आपको दिखा देते हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट है, जो कि फिलहाल 1 ईयर के लिए आपको ये प्रोजेक्ट चलेगा। आगे एक्सटेंडेबल है, यानी कि अगर आपका वर्क अच्छा रहा तो आपकी जॉब आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं, जैसे कि फ्रेंड यहाँ पर देखोगे अपर एज लिमिट, सबसे पहले ये देख लीजिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन के जो नंबर ऑफ पोस्ट है, 2 पोस्ट है। अपर एज लिमिट 28 वर्ष है, यानी कि 28 वर्ष से कम उम्र के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देखेंगे तो 12th पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग DMLT कर चुके हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन देखेंगे तो एम्स भुवनेश्वर ओडिशा में आपको जॉब लगने वाला है। सैलरी 18,000 रुपये पर मंथ आपको यहां से मिलेंगे। अब इसके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है। इंटरव्यू का डेट याद रखिए, बहुत ही नज़दीक है, 28 अप्रैल 2022। रिपोर्टिंग टाइमिंग है 12 PM, यानी कि 28 अप्रैल 2022 को आपको इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाना है। इंटरव्यू कहां होगा वो देख लीजिए, 1st फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एम्स भुवनेश्वर, यानी कि 1st फ्लोर चले जाना है एकेडमिक ब्लॉक में एम्स भुवनेश्वर में 28 अप्रैल 2022 को, वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हो। इंटरव्यू में जाने के लिए करेंगे क्या, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा आप एम्स भुवनेश्वर की वेबसाइट पर जाकर के, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो तो वहाँ से PDF लेकर के, और इस फॉर्म को सही तरीके से सारी चीज़ भर करके आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आपके पास 10th क्लास का डॉक्यूमेंट होगा, हम बता दे रहा हूँ, 10th क्लास का डॉक्यूमेंट होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसी तरह से 12th क्लास का आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होगा। DMLT कोर्स जरूर किए होंगे तो DMLT कोर्स का मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद फ्रेंड आधार कार्ड, पैन कार्ड का सर्टिफिकेट, सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको 28 अप्रैल 2022 को पहुँच जाना है 1st फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एम्स भुवनेश्वर में, और अपना इंटरव्यू देकर के अपना यहाँ से जॉब ले सकते हो। फ्रेंड हमें उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल गया होगा। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही फ्रेंड मेडिकल से रिलेटेड, DMLT से रिलेटेड, लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड कोई भी नई रिक्वायरमेंट के बारे में जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके। आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही जानकारी रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।